नमस्कार दोस्तों, दियोरिया किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय सिंघानिया। आज मैं अपने खेतों में खरबूजे के खेत में आया हूं। देखिए, एक साथ दो दो कैसे फसलें करते हैं। इससे पहले हमारे खेत में शिमला खड़ी हुई थी, उसी में हमने रोपण कर दिया बेड के ऊपर, बिल्चिंग के ऊपर। ये देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि खरबूजा लगा हुआ है और खरबूजा हमारा फट चुका है। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर फल पड़ा हुआ है। बस पकने में है कि मई जून में पक जाएगा, और मैं आपको घूम घूम के दिखाऊंगा। देखिए खरबूजा की खेती कैसे करें। ये देखिए, हर पेड़ में फल लगा हुआ है, और इतना नहीं, अच्छा से अच्छा फल लगा हुआ है। मैं आप सभी अपने भाइयों को दिखाना चाहता हूँ कि खरबूजा की खेती कैसे करें। यह देखिए, पूरे खेत में दिखाऊंगा, डबल वाली फायदा उठाना है तो इस तरीके से खेती करना है। ये देखिए, खरबूजा पक चुका है। ये हमारे भैया, पक गया है बस। ये देखिए, ये देखिए, पूरे खेत में दिखा रहा हूँ कि पहले से ही इसमें शिमला खड़ा हुआ था, और शिमला का सीजन आउट हुआ उसके बाद इस पे रोपण कर दिया गया था खरबूजा। अब ये खरबूजा ये जून जून के महीने में टूट जाएगा, उसके बाद इसका खरपतवार साफ करेंगे, उसके बाद दूसरी फसल फिर तैयार कर देंगे। बिल्कुल भी खेत को खाली नहीं रहने देते। हम सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, हर पत्तों में छुपा हुआ है फल। अब इसको हाथ से हटा हटा कर दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, सुंदर सा सुंदर फल लगा हुआ है। देखिए, ये देखिए, फल लगा हुआ है ना, कितना प्यारा सा फल लगा हुआ है। ये देखिए, फल लगा हुआ है। हर पेड़ में अभी फराव हो रहा है, और जितना फरने लायक था वो बड़ा बड़ा पहला फूल आकर के फर चुका है। अब यही है कि समथिंग में टाइम लगेगा, ये मई भरे में सारा फल लग जाएगा। अब इस क्रॉपिंग वाली फसल में तो अगर एक फसल ख़राब हो जाती है तो हमारी दूसरी फसल, उसका जो नुकसान होता है किसान भैया का, तो वो क्रॉपिंग वाली दूसरी फसल हमारी बेनिफिट मुझे दे जाती है। अब ये देखिए, फल ही फल लग रहा है। ये सब ढका हुआ है, छोटा है, अभी कच्चा है, और कुछ समय के बाद देखिए, ये देखिए, लगे हुए हैं, सारे में फल लग रहे हैं, पत्तों के बीच छुपा हुआ है। ये देखिए, पन्नी लगी हुई है साइड में, ये शिमला का पेड़ खड़ा हुआ है। अब ये शिमला जैसे ही खड़ा इसलिए है कि हमारे किसान भैया लोग सोच रहे होंगे ये शिमला फिर आपने क्यों नहीं उखाड़ी है। तो ये इस टाइम पे जो मई और जून में जो लपट का महीना गर्मी चलती है, तो इससे पेड़ के खरबूजा का जो पेड़ है उस फसल पे असर नहीं करेगा, और ये हवा को रोक के रखता है। आपने हर प्रकार की शिमला देखी होगी, अभी तक पीला शिमला नहीं देखा होगा। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ पेड़ के, ये भी नहीं है कि इसमें सब कुछ फ्रॉड है। ये देखिए, पीला शिमला लगा हुआ है। तो मैं आपसे कहूँगा कि हर पेड़ में ये पीली वाली शिमला थी और हरा वाला भी शिमला था। ये देखिए, इतनी बारीकी से आपको दिखाऊंगा। देखिए, पीला वाला ही तो है ये। ये देखिए कितना सुंदर लगा हुआ है। ये देखिए, अब ये जो बचे हुए थे इसमें छोटे छोटे पीस, अब वो वही लगे हुए हैं। तो पूरे खेत में ही पीला शिमला है। ये देखिए, पूरे
पूरे खेत में खरबूजा ही है। ये 3 से 4 बीघा लमसम, 3.5 और 4 बीघा के लमसम सब में खरबूजा और शिमला मिर्च ही खड़ी थी। उसी को शिमला मिर्च का सीजन आउट हुआ तो अब उसके ऊपर कर दिया गया है कि खरबूजा लगा देते हैं। ये देखिए, सभी जगह घूम के दिखा दिया हूँ। और उसी के हमारे सामने देख सकते हैं आप लोग कि तरबूज।